हेलो हेलो वेलकम टू अ फ्रेश एपिसोड ऑफ मोका वैद मोइज मेरे साथ मौजूद हैं मेरे आज के मेहमान नामर वकील प्रेसिडेंट ऑफ द सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब सलाउद्दीन अहमद सर हैव यू बिल्कुल ठीक ठाक थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो थैंक यू फॉर कमिंग ओवर हियर सो पहला सवाल जो कि अब सबके माइंड पे है आप जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील भी थे जजमेंट फाइनली रिव्यू की आ गई है जो एफबीआर को प्रोसीडिंग्स एफ बी आर के पास हो रही थी और जिसके बाद एस जे सी के अंदर प्रोसीडिंग्स होनी थी वो अब नहीं हो रही हाउ डू यू सी द रिव्यू एंड हाउ डू यू सी द टेंशन ऑन द बेंच बिकॉज एक कंसर्न है कि दिस केस हैज एसेंशली एग्रीवेटेड द टेंशन और द फॉल्ट लाइन ऑन द बेंच सो हाउ डू यू सी दिस केस एंड देन द फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट आफ्टर दिस केस देखें इस केस में तो देर इज यू नो दिस a lot of passions on mm -hmm. the bench as well, because it's an issue that strikes home, yeah. you know, to every judge and to the con the very concept of independence of judiciary and mm -hmm. all of that. Uh, then there have been, obviously, uh, Faizisa ka yehi tha ke, uh, you know, uh, bahut external pressures bhi hain is case mein, uh, the governments are involved, agencies are involved. So obviously, all of that. Then obviously, bars are very interested. The public is very interested. The media, you know, is constantly reporting. So those kinds of uh, cases do create pressures on the bench. Um, then you know, even the first round was a closely. There was a ten. Uh, there was a seven-three decision and now in the review then you know um, a judge of the supreme court is arguing himself so obviously all of that then his wife is involved obviously and this but that was the first mm -hmm. time because if the did not argue himself No, hmm. uh, 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 ki, ki arguments apna hmm. uh, ne so um, it's the first time that a judge has appeared himself. Mm -hmm. um, a Supreme Court judge has appeared before himself uh, before a Supreme Court bench. So all these factors did create lots of tensions, mm -hmm. and uh, to some ex extent, perhaps nobody anticipated that this had to But to some extent, everyone did expect uh, you know uh, some kind of strong divisions and disagreements. Um, मैं समझता हूँ अगर आप गोइंग फॉर्वर्ड ये ऑल द जजेस ऑफ द सुप्रीम दिस बेंच एंड जजेस जो इस बेंच का हिस्सा नहीं थे ऑल नीड टू यू नो कमर एंड थिंक ऑफ द लार्जर इंस्टीट्यूशनल गुड

You know, आपस में इख्तलाफ mm -hmm. भी करते हैं और mm -hmm. यही uh, अदलिया का रोल भी mm -hmm. है हर जज का एक अपना इंडिविजुअल होता है और उसे इंडिविजुअली अपनाटी बट एटलीस्ट देर शुड बी सम का मोर देन सिविलिटी ऑल्सो देड्स टू बी वट वी कॉल जुडिशल कॉमेटी दे शुड बी रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स व्यूज एंड हर जज को ये सोचना बड़ा लाजमी है कि वो करे दैट यू नो द इंस्टीट्यूशन एज अ होल उसका जो वक़ार है और उसकी जो रिस्पेक्ट है और उसकी जो इंडिपेंडेंस है वो बिल्कुल लोगों को नजर आए वाज पर अच्छा सर ये जो आपने बात की ये बड़ी अहम इसलिए भी है कि हम देखते हैं कि जो इस बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल अगले बनने वाले चीफ जस्टिस हैं और बंदेल साहब के जो सीनियर प्यूनी होंगे वो जस्टिस काजी ईसा होंगे दूसरा हमें ये भी नज़र आता है कि एक इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट में नज़र आता है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत दफ़ा बहुत से मामला में एक इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट हमारे यहाँ बहुत प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट पे वक्तन पर वक्ता बवकता बहुत सारे हमले हुए हैं दीगर इंस्टीट्यूशन की जानब से लेकिन इस केस के अंदर एक कंसर्न बहुत से वकला का मेरे जैसे ये भी था कि लग ये रहा था कि एक वन ऑफ यंग थ्रोन टू दर्ल्ड के साथ जो भी करना है कर लें जिस तरह से मामला एफ बी आर को भेजा गया जिस तरह काजी साहब की जो एहलियां हैं उन नॉट अ पार्टी बिफोर द बेंच बट जिस तरह उनको भी कहा गया कि आप जाके अपनी एफ बी आर में अपनी नसीद प्रूव करें और जिस तरह एस डी सी को ये पाबंद बनाया कि जो एफ की रिपोर्ट है आप इसको कंसिडर करें जबकि एस को आप इस तरह एक बेंच नहीं शायद ये भेज था इस तरह से so, do you think कि जो ये इंटरेस्ट है अपनी इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का और उसकी इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने का वो कहीं खो गया इस केस के अंदर देखिए मैं समझता हूँ सिर्फ इशू ये नहीं है कि मुझे अपने इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है ठीक है बात यह है कि और यू you नो know, कुछ लोग अब उसे ये रंग दे रहे हैं कि भाई अपना था तो उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे है, बात यह है कि जजेस मस्ट ऑलवेज बी गाइडेड बाय हिस्ट्री व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेसिडेंट्स प्रेसिडेंट्स को फॉलो करना है वगैरह आर प्रेसिडेंट्स इट्स हिस्ट्री ठीक है माजी में पाकिस्तान में हमेशा एंड आई एम नॉट टॉक अबाउट दिस केस इन पर्टिकुलर बट वैसे आपने देखा है कि सैकड़ों अटैम्प हुई हैं ठीक है बाय गवर्नमेंट्स एंड बाय एजेंसीज इंटेलिजेंस एजेंसीज बाय मिलिट्री गवर्नमेंट्स यू नो हैव बीन हंड्रेड्स ऑफ अटेम्प्ट्स के जुडिशरी को आपस में डिवाइड किया जाए के उनकी पावर कर्टेल की जाए उनको विटल डाउन टू तो साइज किया जाए ठीक है अपना

उससे पहले भी हुआ है आपने मुशर्रफ के दौर में उसके बाद भी मुशर्रफ के दौर में और उससे पहले हक के दौर में आपने देखा आ, एक वन वे दैट द जुडिशरी दैट मिलिट्री गवर्नमेंट्स हैव गवर्नमेंट है कुछ जजेस को पीसीओ में बुला बुला लो कुछ को ना बुलाओ कुछ का के अंदर बुला उसका कुछ को, को रीअपॉइंटमेंट के लिए बुला लो तो आपस में जजेस में दरारें डालो आपस में उनकी उनको इंट्रीग्स में शामिल करो हमेशा एक पहले पुरानी जिसकी वजह से बार ने बड़ा स्ट्रांगली सीनियोरिटी प्रिंसिपल को सपोर्ट किया था बार में बड़ी एक गवर्नमेंट्स की बड़ी एक स्ट्रेटजी होती थी और एजेंसियों की स्ट्रेटजी होती थी कि आपस में जजेस को चीफ जस्टिस शिप पे लड़वा दो के अच्छा इफ यू विल बी विलबल टू आज तो हम आपका चीफ जस्टिस में नाम ऊपर कर देंगे आपको आउट ऑफ टर्न प्रमोट कर देंगे वगैरह तो ये तमाम तर चीजें हैं जिस तारीख से सुप्रीम कोर्ट को अपना कम अंधा नहीं रहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू लुक एट दीस थिंग्स आप वैसे तो आप बात कर सकते हैं वी विल ऑलवेज डिसाइड अकॉर्डिंग टू लॉ नो वन कैन पुट एनी प्रेशर ऑन द कोर्ट एटसेट्रा कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता मगर अगर आप पाकिस्तान की तारीख देखें तो कई मौकों पर अपना सक्सेसफुल इंटरफेरेंस हुई है ज्यूडिशरी में और आपस में लड़ाइयाँ भी करवाई गई हैं कमजोर किया गया है ادارے को तो like माइनॉरिटी जजेस ने कम से कम उस एस्पेक्ट को प्रॉपरली कंसिडर नहीं किया उसको वो वेटेज नहीं दी जो उनको देनी चाहिए थी अच्छा सर एक सवाल ये बनता है यहाँ पर आपने मुशरफ दौर की बात की और मुझे याद है कि दो हजार सात की मूवमेंट इन स्कूल एट दैट आई थिंक आई वो ग्रेट एट दट टाइम और हम तब पढ़ते थे कि यंग लॉयर सलाउ्द्न अहमद वॉज अरेस्टेड, और बहुत से लोग अरेस्ट हुए बहुत से जजेज़ ने कुर्बानी दी इसके अंदर लेकिन तब ये था कि नज़र आता था कि कहाँ से साजिशें हो रही हैं नज़र आता था कि एक मिलिट्री गवर्नमेंट है मिलट्री गवर्नमेंट को चीफ जस्टिस से कुछ फैसले पसंद नहीं आए तो उन्होंने ये कदम उठा लिया लेकिन आज जब हम देखते हैं तो शायद ये साजिशें भी अगर कोई होती हैं तो इतनी ऑब्वियस नहीं होती एक हमारे हाइब्रिड रिजीम है अगर आपके रेफरेंस आया है प्रेजिडेंट की जानव से आया है और उसके ऊपर एलिगेशन ज़रूर उठाई जाती है माइलाफाइडे की तो डू यू थिंक आज अगर रेजिस्टेंस आपने करनी है एज ए यंग लॉयर और एज ए लॉयर आपने रजिस्ट करना है तो थोड़ा मुश्किल भी हो गया रजिस्ट करना बिकॉज सामने नहीं है आपको नहीं पता आपका मुकाबला है किससे है मैं समझता हूँ जो लोग फहम रखते हैं और जो इन चीज़ों को केयरफुली फॉलो करते हैं उनमें तो कम से कम किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं है ठीक है बार का तो इस मामले में के जस्टिस फाइजीसा को अपनी जो फैज़ाबाद धरने की जो जजमेंट है जिसमें उन्होंने Uh, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज इंक्लूडिंग आईएसआई का जो रोल है वो उन्होंने क्रिटिसाइज किया है ठीक है उसकी uh, रिटेलिएशन में ये प्रोसीडिंग्स लाई गई हैं उसमें कुछ सियासी जमातों ने साथ दिया जिसमें अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुतहद कौमी मूवमेंट एसेट्रा इन्होंने मिलकर और उन्होंने तो खुल के कह दिया ना कि हमने हमने अपनी रिव्यू पटिशन्स में जो फैजाबाद धरने के खिलाफ उन्होंने रिव्यू कि के उसमें कहा था कि आपका जो फैसला है वो इतना गलत है इतना गंदा फैसला है कि आप अब इस आप अहल नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट में आप तो जो मोटिव थे और जो लोग थे वो तो काफी बेनकाब हो चुके हैं ठीक है थीके? तो मैं समझता हूँ कोई ज्यादा इतना कोई तहकीक करने की जरूरत नहीं है बहुत ये स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं ये अलबत्त आप कह सकते हैं कि क्योंकि वैसे ऑन द फ्रंट एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है तो यू नो you know, Uh, थोड़ी सी उसमें लेयर आ जाती है, yeah. है मगर फ्रेंकली uh, इतनी कोई खास लेयर नहीं है इट इज द सेम पीपल हु आर डूइंग द सेम थिंग्स अच्छा सर एक अभी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है एंड आई थिंक एज लॉयर्स हम ये डिमांड करते रहते हैं कि गो के हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट हो लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी अकाउंटेबिलिटी होना ज़रूरी है और एक प्रोपोगेंडा नज़र आ रहा है और इसमें ये शिक्कोशुबा शु, शु, भी हैं कि गमेंट स्पॉन्सर करे इस प्रोपीगेंडा को कि जी क्योंकि मेजार्टी ने कह दिया कि अब काजी साहब के खिलाफ कोई और फायद प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी तो इसलिए ये तो अपने आप को बिल्कुल ही अपने आप को और अपने आप अपने प्रोटेक्टिंग दियर ओन फ्राम एनी अकाउंटेबिलिटी एट ऑल तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे और ड्यू थिंक दैट दिस दिस इज़

साहब को भी निकाला गया अब उनको भी अपना उनका भी जो ग्राउंड था निकालने का वो ये था कि आपने आईएसआई की तनकीद कर दी है ठीक है स्पीच द इज हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी एंड बार तो बहुत अरसे से कहती रही है और बार ने एक्चुअली लोगों को एक्चुअली हाईलाइट भी किया है अ आरप्यूटेशन ऑफ बींग करप्ट ठीक है मगर जब ये वाली चीजें हाईलाइट की जाती हैं तो सुप्रीम कोर्ट माजी में तो कम से कम वो बहुत डिफेंसिव हो जाती है वो कहती है आप जज के खिलाफ कैसे इल्जाम लगा रहे हैं वगैरह दे आर मैनी इतनी आ, आ, ये कंप्लेंट्स थी रेफरेंसेस थी जो जजेस के रिटायर होने पे खत्म हो गई आ, जस्टिस साकिब निसार साहब के खिलाफ अपना बड़ी एक सौ डेढ़ सौ लोगों ने रेफरेंस बनाई थी वो भी दायर की वो भी पेंडिंग रखी गई जज साहब रिटायर हो गए तब उन्होंने कहा अब ये इन हो गई है ठीक है बहुत सी जो अकाउंटेबिलिटी की जो एक्चुअल ओकेजन्स हैं जहां आपको अकाउंटेबिलिटी करनी है

अपना ट्रस्ट जेंडर होता है कॉन्फिडेंस जेंडर होता है जब ट्रांसपेरेंसी हो ठीक है आपको मुझे पता हो कि भाई कितनी दरखास्तें हैं क्या क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा है अब अजीब गरीब चीजें होती है ना अब फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद कोर्ट में भर्तियां हुई जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आ, जो स्टाफ की भर्तियां हुई हैं ये गैर कानूनी तौर पर हुई हैं एक जज साहब के खिलाफ ऐसे स्ट्रिक्चर्स किए गए जस्टिस इकबाल हमीदुरशनो अस्तीफा दे, दे के दे चले गए हुँ. दूसरे जो चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद कोर्ट के जिनके खिलाफ रेफरेंस आई इसी चार्ज पे वो रेफरेंस खारिज कर दी तो वो बिल्कुल जबकि उनके भाई की अपॉइंटमेंट हुई ब्लेम Now, उनको uh, आपने बिल्कुल बाजत uh, बरी right. कर दिया सच uh, एंड वो फुल ऑनर्स रिटायर हो गए तो दिस काइंड ऑफ ये जो यू नो डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट है hmm. तो उस पर फिर बड़े शको शुभ उठते हैं hmm. तो एंड देन अकाउंटेबिलिटी सीम्स टू हैपन ओनली फॉर जजेस हु टेक एन एंटी एस्टेब्लिशमेंट पोजिशन तो उससे फिर एक क्वेश्चन हर जगह उठता है कि आया ये अकाउंटेबिलिटी के नाम पे ये ऐसे ही कोई यू नो धोज तो नहीं है तो वो वाली चीजें हैं जो देखनी जरूरी है वैसे ऑब्वियसली इन प्रिंसिपल वी आर 100 परसेंट वी थिंक देयर शुड बी मोर अकाउंटेबिलिटी आपको बल्कि जब आप रेफरेंस कंप्लेंट्स uh, फाइल हो किसी जज के खिलाफ तो एस जे सी को सिर्फ ये खामोशी से उनको ख़त्म नहीं कर देना चाहिए उनको रीजंस देने चाहिए कि हमने आपकी कंप्लेंट इसलिए ख़ारिज की हमने इसलिए एंटरटेन नहीं की या आपके कंप्लेंट में कुछ एक्शनेबल मटेरियल नहीं मिला तो इसलिए हमने ख़ारिज की दे शुड जस्ट बी क्वाइटली बेरिट जैसे आपने ट्रांसपेरेंसी की बात की तो एक लैक ऑफ़ ट्रांसपेरेंसी हमें नज़र आता है जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के अंदर भी और जो आपने एंटी इस्टैब्लिशमेंट जजेस के ख़िलाफ़ होने वाली कार्रवाइयों की बात की तो एक बहुत से लॉयर्स को शक होता है और उनका एक खौफ होता है कि अगर हम कोई फॉर एग्ज़ाम्पल एंटी इस्टाब्लिशमेंट पोजिशन लेंगे तो हमारी जो चांसिस हैं जज बनने के वो चांस इफेक्ट होंगे हमने देखा कि हाई कोर्ट के अंदर बहुत सारे जजेस कन्फर्म नहीं हुए बाबा सतार साहब कन्फर्म हुए तो उनकी कन्फर्मेशन के अंदर भी काफ़ी हर्डल्स थे काफ़ी ऑप्स्टिकल थे तो ये जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है ये जुडिशल अपॉइंटमेंट्स में किस हद तक

आपको उसकी शाबाशियाँ मिलेंगी और यू नो इसब्लिशमेंट बड़ी आपसे खुश होगी नेचुरली वो अपना गुस्सा कहीं निकालेगी आपकी ये जरूर एक्सपेक्टेशन होती है अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू यूर अ वोकल क्रिटिक ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी रोल एट्राउंड तो आपका ये सोचना कि इंटेलिजेंस एजेंसीज आपके खिलाफ आपके बारे में बहुत ही अच्छी कोई रिपोर्ट देंगी और नेचुरली हर जज की अपॉइंटमेंट के वक्त इंटेलिजेंस एजेंसीज दोनों जो हैं आईबीबी और आई भी वो अपनी रिपोर्ट देती हैं तो ये सोचना शायद कि वो बहुत ही पॉजिटिव यू नो और एक्स्ट्रॉर्डनरी रिपोर्ट्स देंगी तो दैट आई थिंक पर माइट बी यू नो शॉर्ट साइटेड और फूलिश बट नेवर दस ये एक्सपेक्टेशन जरूर होती है कि जो तमाम जो फाजिल जज साहिबान हैं और जो बार एसोसिएशन uh, बार सॉरी uh, बार काउंसिल्स के जो नुमाइंदे हैं और इवन यू नो दी इज डूंगी एज पर चीजों को थोड़ा सा अपना कई बार होती है एंड माजी में कई एक्चुअली हो भी चुका है कि देर है खिलाफ यू नो गलत इंटेलिजेंस एजेंसी रिपोर्ट आई हैं और जजेज ने कर, उन उन, उन रिपोर्ट्स को कंसिडर करके फिर कहा है कि इसमें है क्या जो कि हम यू you नो know, हम आ, आ, किसी कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दें ऐसी रिपोर्ट पे तो इट डज हैपन मगर देखें इदारा उतना ही आजाद हो सकता है जितना उसके अंदर जो बैठे हुए लोग हैं वो आजाद हो ठीक है तो जब तक जजेज आजाद मंच नहीं होंगे तो इदारा भी आजाद नहीं होगा तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सिंगल इंडिविजुअल

हमारे यहाँ हमने देखा है कि जिन भी वो फॉर एग्जांपल इस तरह के एडवेंचर्स का हिस्सा बने हैं उनकी कोई बहुत अच्छी रेपुटेशन नहीं होती बार के अंदर और एक जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, उनकी एक अच्छी तो इसके थिंक कि काफी इनके अपने लिए दस जजेस का मुतफा फैसला राउंड में इसमें तो कोई डिविजन भी नहीं थी थी लॉ मिनिस्टर साहब ने अपने जो इख्तियार थे कानूनी जो इख्तियार थे वो उनको तु, यू नो वायट किया था उससे आगे बढ़े थे और जो जो उन्होंने ऑर्डर्स दिए थे इन्वेस्टिगेशन और इनकवायरी के उनको कोई हक हासिल नहीं था कि इस किस्म के ऑर्डर्स दें तो और इसी बुनियाद पे पहले राउंड में टेन ज़ीरो के फैसले से जो सदारती रेफरेंस था वो गोश किया गया था ठीक है, दूसरा जो है वो नेचुरली um, you know, बार्स का और uh, जस्टिस ईसा का भी मौकफ था uh, अब उसपे नेचुरली अब तफसीली फैसला आएगा तो देखते हैं उसमें क्या फाइंडिंग्स uh, है मगर मौकाफ तो उनका ये था कि सिर्फ uh, ये लीगल मेलेफिडेज नहीं है एक्सेस ऑफ जोरिस्डिक्शन या इलीगेलिटी नहीं है बल्कि फैक्चुअल बदनीयती भी शामिल है ठीक है फैक्चुअल मेलीफाइडेज भी हैं तो uh, वो जो रोल है आ, हमारी बार एसोसिएशन तो कम से कम इट कॉल्ड फॉर बोथ लॉ मिनिस्टर फरोग नसीम एंड जो स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर हैं मिर्जा शहजाद अकबर उनको मुस्ताफी हो जाना चाहिए क्योंकि उनकी वजह से आप देखें दो साल से नॉट जस्ट देम देर आर पीपल ऑल्सो बट फॉर टू ईर्स द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन हॉस्टेड ठीक है टू दिस केस यू नो बीन बाकी सारी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो एक तरफ यू you नो know, दस जजेस जो हैं वो महीनों महीनों yeah. ये केस चल रहे हैं आपस में कोर्ट्स में डिविजन्स डिसेंशन आई मीन एंड फॉर समथिंग अभी और कुछ तो अभी जाके इंकशाफात हुए के सरीना ईसा साहेबा ने सारे के सारे पैसे जो थे बैंकिंग चैनल से भेजे थे वो चले सरीना ईसा साहबा को पता होगा पब्लिक को तो आज पता लगा ठीक है मगर गवर्नमेंट को लॉ मिनिस्टर साहब को एफ आई ए को इन सब को तो पता होगा और अब बशीर मेमन साहब के भी आ, सारी वो स्टेटमेंट आ गई है इन सब को तो पता था ना डे वन से कि ये पैसे बैंकिंग चैनल से गए हैं तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग का आपने क्यों चार्ज लगाया ठीक है आपको पता था कि इसमें से 90 परसेंट जो पैसे हैं वो बिफोर जस्टिस ईसा एलिवेशन गए हैं इंग्लैंड ठीक है आपने ये बातें क्यों आपने छुपाई और इनस्टेड आपने एक कंटीन्यूअस प्रोपेगेंडा निकाल दिया हक उम्मत hmm. की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी आ, उस वक्त अपना फिर फिरदौस साहिबा उन्होंने ये कि जजेस को जजेस का भी हिसाब के शिकंजे hmm. में हम hmm. ले आए हैं और यू नो you know, उनकी करप्शन के खिलाफ हम मुहिम चला रहे हैं वगैरह तो इट वाज अ कैंपेन टू डिस्ट्रॉय द सुप्रीम कोर्ट एंड जो लिंक uh, बैक uh, आपका जो पहला सवाल था डिविजन के बारे में ये तमाम चीजें भी मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के सारे जज साहिबान को बहुत सीरियसली और केयरफुली देखनी चाहिए थी क्योंकि अगर उन्होंने इंस्टीट्यूशनल इंस्ट्रिश्... मुफाद की बात करते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि इस किस्म की जो नेगेटिव कैंपेन्स हो वो रोकी जाए जिसका अकाउंटेबिलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है सिर्फ जजेस को प्रेशर में डाल के अपना आ, अपने अजयम हासिल करने का तरीका है तो उनको क्लिप करना चाहिए और जल्दी क्लिप करना चाहिए ऐसे ड्रैग आउट ये प्रोसीडिंग्स होनी नहीं चाहिए अच्छा सर आखिरी सवाल आपसे और अब तक हमने बात करी जस्टिस काजी फायस ईसा के, के केस के हवाले से लेकिन एक और सवाल रेज किया जाता है और एक तनकीद की जाती है आपकी और दीगर बार से पाकिस्तान की और वो ये कि जब इस तरह के मामला आते हैं आप बड़ी वोकल एक लाइन लेते हैं बड़ी एक्टिव एक लाइन लेते हैं लेकिन जब हमारे मुल्क के अंदर हम देख रहे हैं पिछले आठ दस साल से एक वक्ला गर्दी के बहुत सारे वाक़ पेश आते हैं अभी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर हमने देखा कि एक मामले में जो चीफ जस्टिस इस्लाम हाईकोर्ट है उनके दफ्तर के ऊपर भी हमला किया गया दीगर हुई हम देखते हैं कि जजेस के साथ बदतमीजी की जाती है और लोग कहते हैं कि क्योंकि बार एसोसिएशन गो के आपका काम एक रेगुलेटर का है लेकिन क्योंकि आप लोगों ने फॉर एग्जांपल उन्हीं वकला से वोट्स हासिल करने होती हैं तो उतनी एक्टिवली या उतनी आप वोकली इनकी इन पे आप जो है कंडेम इनको नहीं करते तो इस पे आप क्या आप क्या मैं समझता हूँ वो जो क्रिटिसिज्म है उसमें डेफिनेटली बार एसोसिएशन का तो बहरहाल रोल नहीं होता बार काउंसिल्स का होता है बट इन एनी इवेंट बेसिक जो थ्रस्ट है आपकी क्रिटिसिज्म की वो मैं समझता हूँ एक्चुअली जायज़ है डिसिप्लिनरी uh, प्रोसीडिंग्स उस तरीके से नहीं होती uh, जिस तरीके से होनी चाहिए ठीक है देर आर ऑल प्रोफेशन ठीक है अपना डॉक्टर्स um, you know, के भी मेल प्रैक्टिस होते हैं अपना यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन स्ट्राइक पे भी चले जाते हैं उस तरह वकील भी अपना एंड देर सीरियस केसेस ऑफ मिसकॉन्डक्ट आई थिंक जो इसका फंडामेंटल प्रॉब्लम है ना मैं समझता हूँ और इसमें एक बड़ी एक यू uh, नो you know, एक कॉन्फ्लिक्ट uh, या कॉन्ट्रोडिक्शंस हैं टेंशन है एट वन पॉइंट यू वॉन्ट के जो आपका लीगल प्रोफेशन है वो इंडिपेंडेंट हो ठीक है इसलिए हम ये चाहते नहीं है कि हमारी अकाउंटेबिलिटी जो है वो हम किसी हकुमती या इवन जजेस को दे दें ठीक yeah. है वी टू बी एंड बिकॉज बात की जाती है इंडिपेंडेंट जुडिशरी की यू कैन नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी विदाउट एन इंडिपेंडेंट बार ठीक है दे बोथ प्रोसीड हैंड इन सो वी वॉन्ट एन इंडिपेंडेंट बार यू डोंट वॉन्ट यू नो ऑफिसर सिटिंग लॉयर्स टू गो बिकॉज अगर आपको याद होगा मुशर्रफ की मूवमेंट में सबसे पहली चीज मलिक कयूम साहब ने बार एसोसिएशन की क्लिप्स आ, विंग्स आ, क्लिप करने की कोशिश की थी उन्होंने अपना सारी जो पावर्स थी अपना डिसिप्लिनरी पावर्स वो लेने की कोशिश की थी ताकि वो जो वकील ज्यादा खुल के बोले उसको नहीं। नहीं। आ, आ, वो टाइट कर सके वो सारी उन्होंने तो यू डोंट वॉन्ट दैट ऑन देंड नेचुरली वोट्स आप लेके किसी के आए हो hmm. और फिर उनके खिलाफ एक्शन लें तो देर इज अन्फ्लिक्टी नीड टू पर समझता हूँ एक और मैंने कई फॉरम्स पे ये फ्लोट किया है कि परिटेन द पावर ऑफ अकाउंटेबिलिटी बट वी डोंट गिव इट टू आर इलेक्टेड में कुछ सीनियर so, uh, जो बंदा डिसब्यूनल पे बैठा हुआ है एनी थिंग लाइक दैट सो सम कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा जो इंस्टीट्यूशनली और स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट लाए uh, वैसे सिर्फ अपना यू you नो know, Uh, तंकीद से मैं नहीं समझता या यू you नो know, एक रिफ्लेक्सिव डिफेंस hmm. करना कि नहीं वकील हर चीज पे सही है वो दैट इज नॉट द वे वी हैव टू फाइंड अ पाथ इन दैट थैंक यू सो मच सर आपने आज हमारे लिए टाइम निकाला हमने گفتگو की आज जस्टिस काजीファイस ईसा के केस पे किस तरह जजेस को दबाव का शिकार किया जाता है अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप वाचिंग थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच सर थैंक यू